मुस्लिम भाट जाति को राज्य पिछड़ा अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर रहमानी कौमी एकता संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सिराजुद्दीन रहमानी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिराजुद्दीन रहमानी ने बताया कि मुस्लिम भाट रहमानी जाति की अगुवाई करता है तथा मुस्लिम भाट जाति आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक दशा में अति पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन विगत कई वर्षों से मुस्लिम भाट जाति को राज्य पिछड़ा वर्ग अनुसूची में शामिल करने की मांग करता रहा तथा विभाग द्वारा मुस्लिम भाट रहमानी जाति के सर्वेक्षण का कार्य 10 सितंबर 2019 तक करा लिया गया है। उन्होंने प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष से मांग करते हुए कहा कि रहमानी जाति का फाइल लंबित पड़ा है तथा हमारी जाति के उत्थान के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग अनुसूची में शामिल करना अति आवश्यक है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रहमानी कौमी एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिराजुद्दीन रहमानी ने कहा, मेरा नाम सिराजुद्दीन रहमानी है, प्रदेश अध्यक्ष रहमानी कौमी एकता संघ। सर, हमें ज्ञापन देना है। आज रहमानी कौमी एकता संघ के तत्वाधान में मैं प्रदेश अध्यक्ष रहमानी कौमी एकता संघ एक ज्ञापन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया जा रहा है। गोरखपुर जिलाधिकारी के माध्यम से मैं आयोग से ये मांग करता हूँ कि हमारी जाति के रहमानी कौमी एकता संघ के जो मुस्लिम भाट जात है उसको पिछड़ा वर्ग अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग काफ़ी समय से जद्दोजहद करते चले आए हैं और इसी की मांग जो है उसी कड़ी में आज भी जो एक ज्ञापन जो है माननीय अध्यक्ष महोदय को, अभी पिछड़ा वर्ग आयोग में कई 4 सालों से कोई अध्यक्ष नहीं था, आज जो है अध्यक्ष आ गए हैं। अब मुझे उम्मीद जग गई है कि हमारी जाति का जो है सर्वेक्षण होने के बाद हमारी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल, अनुसूचित में शामिल कर लिया जाएगा।